ऑनलाइन क्लासेस एसबीबीएस स्टैंडर्ड यू के लिए आप बच्चों को सात करो के नाम बताने जा रहे हैं। मैंने प्रीव्यू वीडियो में बच्चों को साक्षर मात्राएं बताई थी। साक्षर मात्रा जब बच्चों को आ गई है ना, इसीलिए मैंने प्रूफ में दिया है फलों के नाम दिए हुए हैं, जो कि बहुत ईजिली समझाएंगे, ज़्यादा बड़े और डिफिकल्ट नहीं लिखाने हैं, जिसमें ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हों। तो मैं ईजिली जैसे मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा है आ, तो बच्चों यहाँ पे देखिए किसकी मात्रा यूज हुई है, बढ़िया की, जो कि आपने साक्षर मात्रा में पढ़िया था, यानी कि पढ़ा था बढ़िया की मात्रा, यानी आ म। फिर देखिए से किसकी मात्रा निकल रही है, ए की, तो ए की मात्रा आपने पढ़ी थी साक्षर मात्रा से ब, ठीक है। फिर पी, पापे किसकी निकल रही है, पी ई की, यानी बड़ी की, पर पी ता, तापे बढ़िया का डंडा। तो कुछ इस प्रकार से मात्रा भी आपको समझ में आ रही है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको फलों के नाम दिए, ठीक है। उसके बाद बे किसकी मात्रा निकल रही है, ए की, तो बे र, ठीक है। फिर किसकी है, बड़े की निकल रही अंगूर। तो कुछ इस प्रकार से हमने देखो बहुत ही ईजिली समझाया है, ज़्यादा मात्राएं नहीं है और समझ में भी आ रहा, क्योंकि मैंने साक्षर मात्राएं बच्चों को बताई है। के ए की मात्रा निकली है, के ला, ला पे बड़े या का डंडा। तो मैंने बच्चों आपको ये फ्रूट्स नेम, आम, सेब, पपीता, बेर, अंगूर, केला, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, आपको इसको प्रैक्टिस करनी। मैंने यहाँ पे सेम एज दिया है, सेम एज मीन्स यही, और यही फलों के नाम आपको सेवन सीखने हैं और बहुत ईजली है, ज़्यादा टफ नहीं है। एक कम है, एक कम है, एक कम है, एक कम है, एक हाँ सर, दो चार, एक हाँ, स्टॉप किया था क्या, नहीं किया, तो फिर मेरे को काट देने वाला भी